हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शाही पनीर की रेसिपी। शाही पनीर सबको पसंद आता है और ये सबका फेवरेट होता है और इसे बनाना भी इजी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लिए है 2 हरी मिर्च, 4-5 टमाटर चॉप किए हुए, अदरक लहसुन प्याज, 300 ग्राम पनीर और 10-12 काजू। इसका मसाला बनाने के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है और इसमें डाला है 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल और इसमें डालेंगे दालचीनी के 2 छोटे छोटे टुकड़े, 2 तेज़पत्ते और 2 लौंग, 2-3 जावित्री के टुकड़े, 1 चम्मच जीरा, 1 गार्लिक और इसे सोटे कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक और कटे हुए प्याज और इसे सोटे कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई मोटी मोटी कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे और काजू डालेंगे। और अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसे सोटे कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप के करीब पानी डाल देंगे और इसे मिक्स करके ढककर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा मिक्सचर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करके मिक्सर में पीस लेंगे। मिक्सर ठंडा हो चुका है, हमने इसे मिक्सर जार में डाल दिया है और इसकी प्यूरी बना लेंगे। इसे सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अब सेम कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब ऑयल लिया है, इसमें डालेंगे 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून के करीब टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। और जो प्योरी बनाई थी उसे भी डाल देंगे, इसे सोटे कर लेंगे। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते आप उसकी जगह 2 चम्मच भुना हुआ बेसन डालकर भी पका सकते हैं। इसमें आपको लगेगा ही नहीं कि आपने लहसुन प्याज नहीं डाला। देखिए हमारी प्योरी कितनी सिल्की और स्मूथ बनी है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे क्योंकि शाही पनीर में थोड़ी सी मिठास होती है। अगर आप न डालना चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
अब इसमें घर की फ्रेश मलाई डाल देंगे या आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं और इसे सोटे कर लेंगे। और अब इसमें कटा हुआ पनीर डाल देंगे। और इसे ढककर 10 मिनट के लिए दोबारा से पका लेंगे। दस मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे। और देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे। और इसे धनिया और क्रीम से गार्निश कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।